नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक आपने हल्की सी करेक्शन देखी और उसके बाद शार्प बाउंस बैक आ रहा है। चाहे आप निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी देख लीजिए, सेंसेक्स देख लीजिए, और बैंक मिड कैप और स्मॉल कैप तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं मार्केट को। तो सबसे पहले तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है, कहां पे आपको ध्यान रखना है, और रिजल्ट्स के दम पर शेयर्स में बड़ा रिएक्शन आ रहा है। जहां पे एक शेयर जो रिसेंटली काफी लोगों ने आई थिंक खरीदा होगा और आज बड़ी पिटाई पड़ रही है, वो है एम्टा टेक। अब इसमें क्या करें, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं। प्लस आज भी कुछ नंबर्स आने हैं, तो कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं स्पेशली एक्सपायरी पे, तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, निफ्टी में ट्रेड नहीं करना आज, आज ट्रेड करना है तो करना है बैंक निफ्टी में। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इसको भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा आज के सेशन में आपका रिजल्ट कहाँ कहाँ आने हैं, तो वो रिजल्ट एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट देंगे आज। तो निफ्टी से M&M के नंबर आने वाले हैं, ABB के नंबर आने वाले हैं, निफ्टी से अपोलो हॉस्पिटल अपने नंबर पेश करेगा, मदरसन, बॉश लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, औरबिंदो फार्मा, अशोक लेलैंड, पेज इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, RVNL, जील, पीरामल एंटरप्राइजेस, एंड ये कुछ बड़े नाम है जो आज नंबर्स आपके लिए पेश करते हुए दिखेंगे। तो इन स्टॉक्स को पहले तो आपको रडार पे रख लेना है। अब आ जाते हैं लेवल्स पे। तो निफ्टी आपके लिए नीचे से 50 पॉइंट्स रिकवर करके 19450 पे ट्रेड कर रही है, नीचे 19402 का लो लगाया। कल लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे यही कहा था कि 400-350 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, एक्सपायरी आपके लिए कल है ही, जो पुट राइटिंग है वो काफी हैवी है उस लेवल पे, तो मेरे को नहीं लगता कि उसके नीचे बाजार जाना चाहिए, और अगर गया तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से बाजार और गिरेगा, लेकिन वो एक्सपायरी रिलेटेड होगा। आज बाजार नहीं गया, वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर आ गया। बैंक निफ्टी में तो काफी बढ़िया मूव आया है, लगभग 43550 के समथिंग का लो लगाया और अभी 43733 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और इसकी कोई एक्सपायरी भी नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि एक्सपायरी रिलेटेड मूव नहीं आएंगे, नॉर्मल बायस सेल आएगा। अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको अगर फोकस करना है, मीन्स अगर आपको बाइंग की साइड पे जाना है, तो आपको निफ्टी के कंपेरिजन में बैंक निफ्टी पे जाना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आज के टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखेंगे जो निफ्टी को ऊपर लाने का काम कर रहे हैं, उसमें ICICI बैंक का योगदान आपको सेकंड लार्जेस्ट दिखेगा 8 पॉइंट्स का, और पहले नंबर पे है M&M, और M&M के आज रिजल्ट्स आने हैं। इनकेस रिजल्ट्स में कुछ दिक्कत आई तो निफ्टी नीचे आ सकता है, M&M का शेयर गिर सकता है, और M&M का शेयर गिरा तो ये आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी को तेजी में, 9 पॉइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसके पॉइंट चले जाएंगे जिसकी वजह से निफ्टी में आपको फ्लक्चुएशन बढ़ते हुए दिख सकती है। माना ये बहुत इफ और बट वाली बात है। अब आप ये भी कह सकते हो भाई M&M के नंबर्स अच्छे आए और स्टॉक भागा तो निफ्टी भागेगा, बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा बन सकती है क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, तो M&M के नंबर्स अच्छे आए, स्टॉक ऊपर गया और फिर भी मार्केट ऊपर ना जाए क्योंकि आपके लिए ऊपर कॉल राइटिंग हो रखी है, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन भाई दूसरी तरफ अगर आप एक और इंपॉर्टेंट चीज देखोगे वो ये कि जो बाजार को गिराने का काम कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा नाम रिलायंस का है, इन्फोसिस का है, HDFC बैंक का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है और टाटा कंज्यूमर है। सबसे बड़ा नाम रिलायंस का है जो कि निफ्टी का डायरेक्ट कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट्स के हिसाब से मेरे को लगता है फोकस करना बैंक निफ्टी पे ज्यादा फेवरेबल है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर आज मतलब पूरा गेम ऑटो सेक्टर के हाथ में है क्योंकि निफ्टी में M&M प्लस टाटा मोटर्स प्लस मारुति ये टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स है तेजी की तरफ, तो M&M अगर नीचे गया इनकेस तो ये सबको नीचे ले जाएगा, और ऊपर गया तो फिर सबको ऊपर ले जाएगा। यानी कि आज निफ्टी में सेकंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर रिजल्ट्स आ गए तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। M&M अगर आप ट्रेड कर रहे हो कहीं भी M&M का शेयर लिस्ट में जरूर लगा लेना कि भैया इसके नंबर्स आ सकते हैं किसी वक्त, और आपका ट्रेड में टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी हो सकता है, तो वो जरूर ध्यान में रखना। अब मिड कैप स्मॉल कैप स्टिल 0.14% शॉर्ट में बोलूं तो तेजी में है, एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट बराबर ही बोलूंगा मैं, 1055 शेयर्स पॉजिटिव है, 850 शेयर्स नेगेटिव है, हल्का पॉजिटिविटी ज्यादा है। वहीं बात की जाए सेक्टर स्पेसिफिक तो रियल्टी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, फिर ऑटो, फिर मेटल, और गिरावट को लीड कर रहा है निफ्टी मीडिया, FMCG, एनर्जी, जो कि बहुत छोटी गिरावट दिखा रहे हैं, कोई खास बड़ी गिरावट है नहीं। टॉप मूवर्स कौन से आज, वेल्सपन कॉर्प आपसे कहा था बहुत ही शानदार नंबर है और स्टॉक 8% भागा है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस 6% ऊपर है, पॉली मेडिक्योर 6% ऊपर है, शोभा रतन इंडिया एंटरप्राइजेस
4% ऊपर है। गिरने वालों में आज एमटा टेक ने 10% की गिरावट दिखा दी अपने नंबर्स के बाद और 2300 पे आ गया है। ये स्टॉक 2600 देखा आपने, 2700 देखा और हर भाव पे ले रहे थे। मैंने आपसे कहा था स्टॉक अच्छा है लेकिन भाव अच्छा नहीं है, हर चीज एक भाव से अच्छी है। कंपनी के नंबर्स खराब आए वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी ने आगे के लिए गाइडेंस कट कराई, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव हो गया है। और बाजार में जब किसी चीज पे इतना बूम हो, वैल्यूएशन महंगे दिए जा रहे हो, उस समय कंपनी कुछ नेगेटिव बोल दे तो फिर करेक्शन ज्यादा आ सकती है। अब क्या करना है, देखिए स्टॉक बहुत अच्छा है, होल्ड करना है और गिरावट में लेना है, लेकिन अभी लेना है ये नहीं कहूंगा मैं। कौन से लेवल्स हैं, कहां ध्यान देना है, इसके बारे में एक अगली वीडियो पूरी पर्टिकुलरली बनाऊंगा, वो जरूर देख लेना। आगे SKF इंडिया, मैंने आपसे कहा था ये भी खराब नंबर है, टूटना चाहिए और टूटा 5%, लेकिन ये भी कहा था ये बहुत क्वालिटी दमदार है, गिरेगा तो लेना है, लेकिन अभी मेरे को और गिरावट चाहिए। अभी तो 47 पे है, यानी कि 4,750 रुपए पे, मेरे को चाहिए 4,000 पे। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बाजार में शेयर्स की तो कमी है नहीं। आप देखें GE शिपिंग एंड्योरेंस, ये भी कुछ गिरावट वाले शेयर है। बाकी बात की जाए निफ्टी में 25 शेयर्स पॉजिटिव है, 25 नेगेटिव है। पॉजिटिविटी को लीड पूरा ऑटो सेक्टर कर रहा है एक तरीके से, M&M, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, टॉप 3 गेनर्स हैं ये, तीनों ऑटो से हैं। इसीलिए कहा कि M&M को आज रडार पे जरूर रखना है। इंडसइंड बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, मारुति, उसके बाद लीड गिरावट को लीड कौन कर रहा है, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, JSW, हिंडालको, यानी कि मिक्स है, कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से पूरी की पूरी वीडियो अभी के लिए ओपन मार्केट में जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।